ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 14 सितंबर को गुरुवार की पिठौरी अमावस्या पड़ रही है, और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी भी चीज़ को लेकर के कि भैया हमारे घर में धन संपदा नहीं होती, कर्ज बढ़ते जा रहे, हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। काफ़ी लोगों के कॉमेंट आए थे, भैया जो अमावस्या पर चावल के ऊपर कपूर जलाया जाता है वो कैसे जलाते हैं, कौन सी दिशा में रखते हैं, दरवाजे के पास कौन से साइड रखेंगे, फेंकेंगे कहाँ, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो, तो पहले उपाय की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो चावल के ऊपर हमें कपूर जलाना है। अब देखो, सबसे पहले इसके बेनिफिट समझ लो। ये जो उपाय है अमावस्या के दिन ही करते हैं, और ये जो वाली जो अमावस्या है पिठौरी अमावस्या, आप पितरों को खुश कर सकते हैं, जो आपके पितर हैं ना उनको खुश कर सकते हैं। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से एक कटोरी चावल। अब यहाँ पर मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि चावल कहीं से टूटा हुआ ना हो, लेकिन इस उपाय में कोई ज़रूरी नहीं कि टूटा हो या फिर खड़ा हो, कैसा भी चावल हो चलेगा, बस एक कटोरी चावल लेना, ठीक है। कोशिश करना कि जो कांच का कटोरी आती है ना, कांच की कटोरी में रखना, नहीं है तो किसी भी कटोरी में रख सकते हो, ठीक है। इतना काम कर लिया, फिर हमें लेना होगा कपूर के कुछ टुकड़े, एक या दो टुकड़े, जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो, चाहे तो लंबे वाले या फिर जो गोल वाले आते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बस एक से दो कपूर लेना। अब उपाय सारा यहीं पे शुरू होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अमावस्या के दिन शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम में, अमावस्या के दिन शाम के टाइम पे जो आपके घर का मेन गेट होता है, मेन गेट का मतलब लोहे का जो गेट होता है, वहाँ नहीं, वहाँ रख दोगे तो रात भर में तो गायब हो जाएगा, वहाँ नहीं। जब लोहे के गेट से अंदर एंट्री लेते हैं तो ऐसे एक और मेन गेट होता है ना, उस वाले मेन गेट पे जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपका लेफ्ट साइड, जैसे घर से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट कौन सा होगा, अरे यही तो होगा लेफ्ट। अरे घर से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट कौन सा होगा, यही तो होगा। तो आपको इसी साइड में जो एक कटोरी चावल है, उस एक कटोरी चावल को रखना, जो एक कपूर का टुकड़ा होगा उसी चावल के ऊपर रखना, और उसको पूरी रात ढक करके रख देना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए। पहला काम खत्म हुआ। दूसरे दिन, जिस दिन अमावस्या खत्म हो जाए, अगले दिन यानी जैसे 14 को अमावस्या है, तो 15 तारीख को जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो सबसे पहले स्नान वगैरह करने के बाद सबसे पहले जाएंगे इस कपूर के टुकड़े के पास, चावल की कटोरी के पास, है ना, पहुंचेंगे, और एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, वैसे जब आप कटोरी को रखना शाम के टाइम पे अमावस्या पे, तब भी आप घी का दिया, लंबी बत्ती का, साउथ दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में घी का दिया लगा लेना, ठीक है। सुबह के टाइम पे फिर से आपको एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, जिसकी बत्ती का जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि जो हमारे पितर होते हैं वो कौन सी दिशा में होते हैं, दक्षिण दिशा में, ठीक है। इतना काम कर लिया। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इस कटोरी को उठाना, कटोरी को उठाने से पहले आप उस जो क्या रखा था आपने कपूर, उस कपूर को जला देना। जब कपूर भी ठंडा हो जाए फिर इस कटोरी को उठाना, ठीक है। उठाने के बाद क्या करोगे, आपके घर के आसपास कोई सा भी पेड़ हो, कोई सा भी पेड़, पीपल हो, बरगद हो, बेल हो, नीम हो, कोई सा भी पेड़ हो, ले जा करके उस कटोरी का जो चावल होगा चिड़ियों के लिए डाल देना। कभी भी आपके घर में पितरों से संबंधित कोई भी समस्याएँ नहीं होंगी, आपके पितर हमेशा तृप्त रहेंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और आपको तो पता है कि अगर आपके पितर खुश हैं तो धन की कभी कमी नहीं होगी, घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कभी घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, इतनी ज़्यादा ताकत होती है हमारे पितरों में, तो उनको खुश ज़रूर करिएगा। बात आई क्या समझ में? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग दूसरे उपाय की, जो मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सा उपाय, ठीक है। तो दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने, लेकिन इस उपाय में हमें इतने सारे चावल नहीं लेने, हमें लेने होंगे एक चावल का दाना जो बिल्कुल खड़ा खड़ा हो, खंडित चावल, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक खड़ा चावल लेना, उसको लेना, और साथ ही साथ एक लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से, अपने घर से जल भरना। एक चीज का विशेष ध्यान, इस जल के अंदर जो चावल के टुकड़े होंगे उनको नहीं डालना, ठीक है। ऐसे का ऐसा चावल अपने हाथ में लेना और इसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो ये जो जगह आपको दिखती है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। जो एक चावल का दाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने विशेष को कहते हुए, एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर दिया, फिर आपके पास में अभी एक तांबे के लोटे में जल है जो आप अपने घर से लाए हैं, वो आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। और जो आपकी कामना होगी, जो आपकी विशेष होगी, वहीं पर खड़े खड़े महादेव से कह देना, जो भी व्यक्ति
ही अमावस्या के दिन एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करता है और पूरा एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता है। अपनी कामना कहते हुए उसकी जो विशेज होती हैं, उसकी जो इच्छाएँ होती हैं, बहुत जल्दी महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो दो तो उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग की इच्छा पूर्ति के लिए या फिर धन संपदा को हम अपने घर में लाने के लिए बहुत कमी हो गई है, भैया हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा दुकान है वो नहीं चलता है, उसके लिए हम क्या करें, तो इस तीसरे उपाय को करिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो करना है। वो काम क्या है कि आपको कमेंट सेक्शन में एक बात बतानी है कि ऐसी कौन सी नदी है, फिर से बोल रहा हूं, ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी का हर एक कंकड़ शंकर माना जाता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो आप इस उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको रुद्राक्ष दिख रहा है ना, लेकिन ये कौन सा रुद्राक्ष है? सबसे बड़ी बात यही है, ये जो रुद्राक्ष आपके सामने है, ये है तीन मुखी रुद्राक्ष। तो हमें भी लेना होगा तीन मुखी रुद्राक्ष, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन, इसका मतलब ये है तीन मुखी रुद्राक्ष। अब इस तीन मुखी रुद्राक्ष के फायदे क्या हैं कि अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो नहीं चलता तो वो चलेगा, और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा, मतलब घर में कमी अगर रहेगी तो वो उसकी दूर हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक लाल कपड़ा। आपको मैंने क्या दिखाया है, मैंने आपको बताया है कि आपको लेना है तीन मुखी रुद्राक्ष। इसी लाल कपड़े के ऊपर तीन मुखी रुद्राक्ष को आप रख देना। देखो मैंने बना भी दिया, तो ऐसे रख देना और इसकी छोटी सी पोटली बनाओगे। क्या बनाओगे? छोटी सी पोटली। और इसको लेके चले जाना जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए पैसे धन संपदा रखते हो, वहाँ पर तिजोरी में रखोगे और एक मंत्र बोलना होगा। वो मंत्र कौन सा है? ओम क्लीम नमः, लिख करके भी आ रहा है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए पैसे गहने जेवर जो भी रखते हो ना, वहाँ पर उस तीन मुखी रुद्राक्ष को लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखोगे। कौन सा नाम? ओम क्लीम नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम क्लीम नमः। ये तो हो गया घर में। और अगर आपकी कोई दुकान है, शॉप है जो चलती नहीं है, बहुत परेशान हो, तो उसी लाल कपड़े को ओम क्लीम नमः का नाम लेकर के आपको अपने शॉप पे, अपने दुकान पे भी रख देना। आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी और घर में कभी धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो, तो तीन उपाय तो हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, चौथा उपाय। इस उपाय को भी आप सबको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी अमावस्या आती है ये उपाय आपको मैं याद ज़रूर दिलाता हूँ। ठीक है, उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? पांच बेलपत्र लेना, जो कहीं से कटे पिटे ना हो, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से, क्योंकि इस बेलपत्र का इस्तेमाल हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है। ठीक है, ले लिया। उसके बाद हमें लेना होगा इत्र। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें इत्र लेना होगा, हमें परफ्यूम नहीं लेना, जो आजकल मार्केट में ना कोबरा फॉग पता नहीं कौन कौन से, वो नहीं, इस तरीके से पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले इत्र लेना। ठीक है, ले लिया। अब जो आपके पास में पांच बेलपत्र है ना, नीचे की डंडी पे आपको सिर्फ इत्र लगाना है, पूरे बेलपत्र पे कहीं पे भी नीचे की पांचों के पांचों पत्तियों पे आपको लगाना होगा इत्र। ठीक है, लगा लिया। उसके बाद आपको लेके चले जाना है उस इत्र वाले बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। देखो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही उन पांच बेलपत्र को समर्पित करोगे, लेकिन यहाँ पे नाम अलग अलग बोलने होंगे, समझो कैसे। जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करोगे, महादेव भोले शंकर का स्मरण करते हुए पहली बेलपत्र समर्पित करनी होगी, और सभी बेलपत्र की डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना। पहली बेलपत्र समर्पित हो गई भोले शंकर के नाम की। दूसरी जो बेलपत्र समर्पित करोगे, वो समर्पित करोगे भगवान गणेश के नाम की। किसके नाम की? भगवान गणेश के नाम की। तीसरी बेलपत्र जो आपको समर्पित करनी है, वो समर्पित करोगे माता दुर्गा के नाम की, माँ जगत जननी जगदम्बा के नाम की। तीसरी बेलपत्र हो गई। जो चौथी बेलपत्र आप समर्पित करोगे, भगवान विष्णु के नाम की। किसके नाम की? भगवान विष्णु के नाम की। और जो लास्ट में जो पाँचवीं बेलपत्र आप समर्पित करोगे, पूरे विश्व में उजाला करने वाले, पूरे विश्व को रोशनी देने वाले भगवान सूर्य के नाम की पांचवी बेलपत्र समर्पित करोगे। समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो भी कष्ट आपकी लाइफ में है, जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, उस परेशानी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जीवन के सारे कष्ट आपके खत्म होंगे, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। करके देखिएगा, सिर्फ एक बार इस अमावस्या पर करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, चार उपाय की बात हो गई,
रही है। एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भाई बहन अगर मुझसे फ़ोन में बातें करना चाहते हैं, मैसेज में बातें करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।